बरनी एक आपके घर पर तू मजू भरती कवड़े कवड़े नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। मेरा नाम फिरोज आतार और आप लोग देख रहे हैं सर्प मित्र फिरोज आतार YouTube चैनल। दोस्तों, पातड़ी से 20 किलोमीटर पर रुद्रेश्वर गांव जो घाट सिरस के करीब है और घर के भीतर जो बैक साइड होती है, हमारे सुभाष भोपालवे कुछ काम से रात के वक्त घर के पीछे चक्कर लगाने आए थे तो उन्हें काफ़ी देर से कुछ चीज हिल रही थी, तो उन्हें जब जाकर देखा तो काफ़ी भारत का विषारी सांप जिसे रसल वाइपर कहते हिंदी मराठी में घोनस और अपने गांव खेड़े में परड़, तो दोस्तों इसे हम रेस्क्यू करेंगे और जंगल में पर्यावरण में जहाँ पर वो पूरी तरह सुरक्षित रहेगा ऐसी जगह आज़ाद करेंगे, रिलीज करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहे। आज भाऊ तू त्याच्या वर चिकाट करू नका, बरनी अजून थांबा राव तू, दुसरी भेट आहे का? हा आखाकडे एक भेटलेली ही होते, हा ती काय आजकडे ना नाही जाने जाने पूरे दाम अपने थे आता बस तेरे पास बाजूला माग सर का बाजूला सरका रोड तिथे घ्या उजाडात बरनी पुढे माहिती आहे हा हा एक आहे चालू उजाडात घ्या रोड वर ते रोड ला म्हणतो घरापाशी तिथं उजाडे पुढे ते इकडे या चला इकडे इकडे कुठे घरात घालतो कऱ्यांना बर नीत दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया ये रसल वाइपर हिंदी मराठी में घोनस गांव खेड़े में परड़ दोस्तों काफी जहरीला सांप होता है, अगर वो किसी इंसान को काट ले तो तकरीबन आधे घंटे से 40 मिनट में इसकी मौत तय है। अगर ऐसा सांप किसी को काट ले या आपके कान पे पड़ जाए किसी को सांप काटा घोनस रसल वाइपर, तो दोस्तों तुरंत अस्पताल जाने की सलाह दे, ना ही देसी इलाज और बावा बुआओं के चक्कर में पड़े, क्योंकि दोस्तों अक्सर इंसान की गलती के कारण इंसान अपनी जान गवा बैठता है। और दोस्तों
ऐसा करने की कोशिश कतई ना करें, ये आपके जान पे भारी पड़ सकता है। और ये जो सांप दिखने में आपको अजगर की तरह नजर आता है, दोस्तों ये अजगर नहीं है, ये काफ़ी जहरीला सांप है। और इसका सिस्टम जब इंसान को जब काट ले तो इंसान के बॉडी में पहले ये किडनी को डैमेज करता है, क्योंकि दोस्तों इस सांप के बारे में काफ़ी मालूमात आपको सर्प मित्र फिरोजातार इस यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी। और आज के लिए बस इतना ही, रात का वक्त है, हम इसे अभी फौरन जंगल में पर्यावरण में जहाँ पर वो पूरी तरह सुरक्षित रहेगा ऐसी जगह आज़ाद करेंगे, रिलीज करेंगे। और मैं पालवे कुटुंबों का और उनके आसपास जितने भी लोग हैं सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि दोस्तों उन्होंने एक जीव को जीवदान दिया, हमसे कॉन्टेक्ट किया, अभी हम इसे फौरन जंगल में पर्यावरण में आज़ाद करेंगे। सब बचाओ, पर्यावरण बचाओ। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा, हमने घाट शिरज गांव, तहसील पाथड़ी, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र, घर के करीब ही घर की महिला ने जब सांप को देखा काफ़ी घबराई हुई थी, वहाँ पर जाने के बाद हमने रेस्क्यू किया। अब जंगल में पर्यावरण में रात का वक्त है, इसलिए दोस्तों फौरन इसे अभी रेस्क्यू करेंगे, आज़ाद करेंगे। सांप बचाओ, पर्यावरण बचाओ।